नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हम बात करेंगे यहाँ पर न्यू अपडेट के बारे में। तो आज का आपका जो यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया अपडेट दिया है, 21 अक्टूबर को यहाँ पर नोटिस जारी किया है, और किस एग्ज़ाम का नोटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं अनएकेडमी पर एक वेरीफाइड और प्लस टॉप एजुकेटर हूँ UPPSC व UPSSSC कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप लोग UPPSC और UPSSSC के सारे पेपर के लिए अनएकेडमी के प्लस मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% के मिलेगा डिस्काउंट। आने वाले UPSSSC जूनियर असिस्टेंट लेवल एग्जाम व जितने भी आपके UPSSSSC के पेपर होने वाले हैं, UPSI और UPPCS व UPPSC के सारे पेपर के लिए यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। UPPSC व UPSSSC की कैटेगरी में 30+ एजुकेटर आपको लगातार लाइव पढ़ाते हैं। सारे एजुकेटर के कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वन टाइम पेमेंट के बाद वीकली के सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर होते हैं। साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर आपका इसका है ऑफिशियल नोटिस जो कि जारी हुआ है 21 अक्टूबर 2019, और इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसको लेकर हम बात करेंगे। यह आपका जारी हुआ है संख्या नंबर 2 परीक्षा 2019 होम्योपैथिक, इसका परीक्षा लखनऊ की परीक्षा केंद्र 24/10/2019 गुरुवार को 10 से 12 बजे आपका होगा। और इसके पहले एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि इसका यहां पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 के बारे में, तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इस पेपर से संबंधित आपका जो होम्योपैथिक वाला पेपर है, इससे संबंधित इसके जो डेट का नोटिस था वो 9 अक्टूबर को जारी किया गया था, कि 9 अक्टूबर को जारी हुआ था कि आपका जो होम्योपैथिक का जो पेपर है वो आपका 24 अक्टूबर को आपका होगा, यानी कि 15 दिन पहले आपको डेट यहाँ पर बताई गई थी इस पेपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है जिसका एक्सपेक्टेड डेट कैलेंडर में 3 नवम्बर था, और अभी जो नया जारी हुआ था उसमें था कि नवम्बर माह में संभावित लिखा गया था, डेट वहाँ पर हटा दी गई थी। और अभी आपके पास अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम डेट है 3 नवंबर को, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आज आपका 21 तारीख है, यानी कि 8/3/11 दिन यहाँ पर आपका बचता है, ठीक है। और जबकि इसका जो नोटिस है वो आपका 9 को जारी किया गया था, कि आपका एग्ज़ाम जो है डेट का नोटिस 9 अक्टूबर को जारी हुआ था और 24 को इसका पेपर बताया गया, यानी कि 15 दिन का समय आपको यहाँ पर कम से कम दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके एग्ज़ाम डेट के बढ़ने के आसार काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल अपडेट UPSSSC नहीं देता है तब तक आपको यहाँ पर 3 नवंबर ही मान के अपनी तैयारी करना है, ठीक, जिससे कि आपकी तैयारी ढीली ना रहे और आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें, ठीक है। क्योंकि 22 तारीख तक तो अभी इसका जो है जो भी गलतियाँ लोगों ने किया है उसको यहाँ पर सुधार के लिए वो लोग अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर अभी दीपावली की छुट्टी भी है तो उसमें भी ऑफिस वगैरह बंद रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर डिले देखने को इस पेपर में मिल सकता है आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है। बट ज़्यादा डिले यहाँ पर आपका होगा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में 3 नवंबर डेट होनी चाहिए और उसको मान के तैयारी करिए, जिससे कि आपकी तैयारी धीमी ना रहे, धीमी ना पड़े, आप अपनी एक रफ्तार से तैयारी लगातार करते रहिए। फिर जब डेट बढ़ेगी तो सभी के लिए आपकी डेट यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डेट बढ़ने की आसार नज़र यहाँ पर आ रहे हैं अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आज ही आ जाए जिसका नोटिस, हो सकता है कल या परसों में आ जाए, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर आपका ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है और इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।